नमस्ते दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में MCB स्विच को कंडीशन को कैसे चेक करना है और वह किसके लिए ट्रिप होता है और ट्रिप होने के लिए क्या क्या कारण आती हैं, आज सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। आओ चलें। तो मैं पिछले वीडियो में MCB स्विच और MCB बॉक्स का कनेक्शन एक वीडियो बना के रखा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, दोस्तों जाके देख लीजिएगा। अब जब भी अपने घर के लिए MCB स्विच खरीद कर कनेक्शन करने वाले हैं तो ज़रूर MCB स्विच को चेक कर लीजिए कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रॉब्लम में वो ट्रिप हो रहा है नहीं। उसी टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाई दोस्तों, जरूर देख लीजिए, बहुत आपको उपयोगित होगा। देखिए मैंने क्या किया, एक टर्मिनल में इनपुट दिया और एक और टर्मिनल में आउटपुट देता हूँ। देखिए इनपुट कनेक्शन मैंने दे दिया, दूसरे टर्मिनल में आउटपुट को भी देता हूँ। देखिए बस हमारा पॉजिटिव चार्जर लाइन ख़त्म हो गया। अभी दूसरा लाइन क्या है, नेगेटिव तार हमने ले लिया। ये किसके लिए, शॉर्ट सर्किट जब होता है तब ट्रिपिंग होना चाहिए ना, उसके लिए कंडीशन के फाइंड करने के लिए हमने एर्थ लाइन को भी दे दिया दोस्तों। देखिए जब ऑफ कंडीशन में सप्लाई नहीं आएगी, अब मैं ऑन कर दिया। देखिए दोस्तों ये ट्रिप हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको हम इसको दूसरी बार करके दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई नहीं आ रही है, उसमें सप्लाई आ रही है। ठीक है मैं एक और बार आपको क्लियर में आपको बताऊँगा। देखिए मैंने क्या किया, सप्लाई दे दिया, अभी ऑफ कंडीशन में है। चलो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मैंने आपको ऑन कर दिया। देखिए सप्लाई आएगी, देखिए आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, एर्थ और मेन दोनों को जॉइंट करके शॉर्ट सर्किट बनाऊँगा। देखिए तो मैं अभी आपको स्लो मोशन में दिखाने वाला हूँ। देखिए शॉर्ट सर्किट होते ही ट्रिप हो जाएगा। देखिए देखिए हो गया। इतना ही दोस्तों, बहुत आसान है। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक यूज़फुल वीडियो में आपसे मिलूँगा दोस्तों। धन्यवाद।